नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम भी इस बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं साथियों। और भक्ति संप्रदाय और उनके दार्शनिक सिद्धांत, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, उन आचार्यों के जो दार्शनिक मत हैं, सिद्धांत हैं, उसके ऊपर जो वीडियो लेकर आए हैं साथियों। एक और बात से मैं आपको अवगत करवा दूँ कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जो आधारित थी एक खास मुद्दे के ऊपर। मुद्दा यह था कि मास्टर कैडर की जो वैकेंसीज आई हैं तीन विषयों की, तो अच्छी खासी आ गई फिर से, जो पहले ही अधिक थी उनकी संख्या मास्टर कैडर की वैकेंसीज की, इंग्लिश, साइंस और मैं बात कर रहा हूँ मैथ सब्जेक्ट की। इन सब्जेक्ट की तो साथी वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ गई, लेकिन जो तीन अन्य सब्जेक्ट हैं हिंदी, पंजाबी और SST, इसकी वैकेंसी ना मात्र के बराबर है। टोटल 168 वैकेंसी बन रही है, 168 तीनों सब्जेक्ट की मिलाकर 200 वैकेंसी भी टोटल नहीं बन पा रही है। और बाकी तीन सब्जेक्ट साइंस, मैथ और इंग्लिश, इनकी मिला दें तो 2800 से ऊपर वैकेंसी बन रही है। तो तीन सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से पक्षपात कर रही है सरकार, इसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई है। आप समर्थन कीजिए, आप भी मीडिया तक अपनी आवाज़ उठाइए, कैसे भी लिख कर, वीडियो संदेश भेज कर। तो ये बात मैंने कर दी है, आप समर्थन कीजिए साथियों। तो चलते हैं आज की इस वीडियो पर, यह बात बतानी बहुत ज़रूरी थी साथियों। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा साथियों पहला प्रश्न है, ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, पिछली परीक्षाओं में काफ़ी बार आ चुका है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवोता या बोले कि प्रोधा प्रवर्तक या किसने स्थापना की, वह कौन है? तो साथियों पहला विकल्प जो है रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक मान ले, प्रोधा मान ले, संस्थापक मान ले, ठीक है ना। तो ये प्रश्न में ज़्यादा इसके विकल्प नहीं पड़े हैं, मैं सीधा इसका उत्तर लिखा दिया। तो साथियों अभी इसमें एक और बात रामानुजाचार्य के साथ संबंधित है, तत्वमसी सूत्र इन्होंने दिया था। अगर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में तो ये भी आपने लिख देना है कि तत्वमसी सूत्र किसने दिया, अगर परीक्षा में आ जाए तो रामानुजाचार्य ने दिया। और इन्होंने ये सूत्र दिया तो इसका अर्थ क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका अर्थ है उनका तू सेवक है, मतलब भक्त को कह रहा है ये सूत्र, ठीक है। तो सगुण उपासना, मतलब सगुण उपासना के 10 भाव के आधार पर ऐसा सूत्र इन्होंने दिया। तो रामानुजाचार्य की भक्ति भावना अगर पूछ ली जाए पेपर में तो बहुत ही 10 भाव, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। तो साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न, आसान प्रश्न है, रामानुजाचार्य संस्थापक रह चुके हैं साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तीसरा प्रश्न है, मध्वाचार्य ने किस दार्शनिक मत का विरोध किया, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत, अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद सिद्धांत या भेदाभेद सिद्धांत। तो साथियों आपको बता दूं ये दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, अद्वैतवाद सिद्धांत का विरोध किया था। और कौन सा दार्शनिक मत दिया था उन्होंने, तो दिया था द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद सिद्धांत दिया था मध्वाचार्य ने, लेकिन विरोध किसका किया, अद्वैतवाद का। साथियों कमेंट सेक्शन में बताइए कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे या किसने इस दार्शनिक मत को पूरी दुनिया के सामने रखा था। चौथा प्रश्न है साथियों, मध्वाचार्य का संप्रदाय किस नाम से विख्यात है, तो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। तो साथियों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है मध्वाचार्य का संप्रदाय, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ किसके किसका है, जहाँ फिर ऐसे बोलते हैं कि सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। साथियों विकल्प आपके सामने है तो सीधा विकल्प पर जाते हैं, विष्णु स्वामी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विष्णु स्वामी का ये ग्रंथ है सर्वज्ञ सूक्त। अगला प्रश्न है रुद्र संप्रदाय, तो साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के साथ संबंधित आचार्य कौन थे या किससे संबंधित है ये संप्रदाय। तो ऑप्शन है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी। साथी विष्णु स्वामी से संबंधित है, विष्णु स्वामी ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न साथी हमारे पास सातवां प्रश्न है, देख लेते हैं, आलोचक नागेंद्र ने निम्नलिखित में से किस आचार्य को श्री विष्णु स्वामी शिष्य संप्रदाय से माना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आचार्य है जिसको नागेंद्र ने विष्णु स्वामी शिष्य परंपरा से माना है। तो विष्णु स्वामी को बहुत सारे शिष्य माने जाते हैं साथियों, उनमें से एक निम्नलिखित है चारों में से एक, तो साथियों सीधा ऑप्शन पर जाते हैं, वल्लभाचार्य हैं, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आठवां प्रश्न आज का हमारा, श्री
निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत द्वैता द्वैत वेद या द्वैता द्वैतवाद का पर्यायवाची शब्द कौन सा माना जाता है साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट, शैव विशिष्टा द्वैतवाद, भेदाभेद अद्वैतवाद सिद्धांत या फिर द्वैतवाद सिद्धांत। तो साथियों दूसरा ऑप्शन सही है, वेदाभेदवाद। ठीक है, ये पर्यायवाची माना जाता है द्वैता द्वैतवाद सिद्धांत का, जो कि दिया था निम्बार्काचार्य ने। तो अभी हमारे पास नवा प्रश्न साथी, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने माना कि निम्बार्क संप्रदाय सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत है? रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, रामविलास शर्मा या राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो साथी दूसरा ऑप्शन है नागेंद्र, बिल्कुल सही। इन्होंने माना कि निम्बार्क संप्रदाय सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत है। दसवां प्रश्न साथियों, शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? साथियों काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है, शुद्ध पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे बल्वाचार्य, वही इसका उत्तर आएगा साथियों। बल्वाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक मत के सिद्धांत के जनक थे। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ किसका है? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, बल्वाचार्य, कुंभनदास, विट्ठलनाथ गोस्वामी विट्ठलनाथ, जो कि पुत्र थे बल्वाचार्य के। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, बारवा प्रश्न हमारे सामने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जीव अणु है वह तीन प्रकार का है, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। नागेंद्र के अनुसार यह मत किस आचार्य का है? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, बल्वाचार्य या कुंभनदास? तो साथियों ये बल्वाचार्य का है नागेंद्र के अनुसार। तेरहवां प्रश्न साथियों, सूरदास मदन मोहन किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? सूरदास मदन मोहन की भी अपनी एक कथा है साथियों, ये सूरदास वो अष्टशाप कवि सूरदास की बात नहीं हो रही, एक अन्य सूरदास मदन मोहन भी हुए हैं। ठीक है, अकबर के समय हुए हैं, तो काफ़ी बोलवाला रहा है इनका भी। तो किस संप्रदाय से ये दीक्षित हुए थे, किस संप्रदाय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी? तो गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय, तत्सखी संप्रदाय या राधा भल्लभ संप्रदाय? तो साथियों गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न साथियों, वेदांत संग्रह, श्री भाष्य, गीता भाष्य या ग्रंथ किसके हैं? साथियों जय उत्तर आएगा रामानुजाचार्य के यह ग्रंथ है। ठीक है, अभी हमारे पास प्रश्न आ गया अगला, 15वां प्रश्न साथियों, जो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां प्रश्न जी। वेदांत परिजात सौरभ किसका ग्रंथ है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य या विष्णु स्वामी? तो साथियों ये विष्णु स्वामी का नहीं बल्कि निम्बार्काचार्य का ग्रंथ है। ठीक है, वेदांत परिजात सौरभ। तो 16वें प्रश्न पर चलते साथियों, बल्वाचार्य की तत्व बोधिनी टीका किस ग्रंथ की है? श्रीमद्भागवत पुराण, रामचरितमानस ग्रंथ की, सूरसागर की या बीसल देवरासों की? तो साथियों श्रीमद् भागवत पुराण जो जिसके रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास, तो इसके ऊपर टीका लिखी नाम की तत्व बोधनी किसने लिखी? बल्वाचार्य ने। श्रीमद् भागवत उत्तर सही आएगा। 17वां प्रश्न साथियों, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक को चैतन्य महाप्रभु किस आस्था किस दार्शनिक सिद्धांत में थी? ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की आस्था किस दार्शनिक सिद्धांत में थी? तो देख लेते हैं, ऑप्शन शैव विशिष्ट द्वैतवाद, भेदावेद, द्वैता द्वैतवाद या द्वैतवाद सिद्धांत। तो साथ ही तीसरा ऑप्शन द्वैता द्वैत, जो निम्बार्का आचार्य ने दिया था मत ये पहली बार, तो इसी मत से समर्थन दिया है गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, 18वां प्रश्न साथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु हरिदास माना जाता है इनको। ठीक है, याद रखना प्रश्न कोई और है लेकिन ये प्रश्न अपने आप में ही उत्तर बन जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु हरिदास का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं है? तीन ग्रंथ उनके मिलते हैं साथियों, कौन सा ग्रंथ उनका नहीं है? ललित प्रकाश, केली मार्ग, सिद्धांत के पद, हित 84। साथियों हित 84 जो है वो हित हरिवंश का है, तो पहले तीन ग्रंथ जो हैं वो हरिदास के हैं, चौथा ग्रंथ नहीं है, इसलिए आंसर जो सही आएगा वो चौथा है। 19वां प्रश्न साथियों, रामानंद ने कितने ग्रंथ रचे? 2, 4, 6, 7? तो साथियों आपको तो पता ही, 7 ग्रंथों को रचा है रामानंद, और कहा जाता है कि उनके 2 ग्रंथ जो है संस्कृत के थे, और 2 ग्रंथ संस्कृत के और 5 उनके हिंदी में थे। तो साथियों
उन ग्रंथों को मैं लेकर भी आया हूँ। देखिए, हिंदी में उनके द्वारा रचित पुस्तकों की सूची और संस्कृत में उनके द्वारा रचित पुस्तकों की सूची। पहले दो ग्रंथ देखिए, वैष्णव मता भास्कर जो संस्कृत में है, दूसरा है श्री रामचरण पद्धति जो संस्कृत में है, तीसरा है राम रक्षा स्त्रोत हिंदी में है ये, और चौथा है सिद्धांत पटल जो भी हिंदी में है, और ज्ञान लीला जो भी हिंदी में रहा उनका, ज्ञान तिलक जो भी हिंदी में है, और योग चिंतामणि यह भी हिंदी में है। तो टोटल 7 ग्रंथ हैं, 5 हिंदी के और 2 संस्कृत के साथ ही। तो ये भी ठीक है जानकारी आपके लिए। साथ ही तीसरा विकल्प देखिए, राम रक्षा स्त्रोत। तो साथी एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ग्रंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माना जाता है अधिकतर विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि राम रक्षा स्त्रोत सिद्धांत माफ़ करिएगा राम रक्षा स्त्रोत जो ग्रंथ है हिंदी में, ये पहला राम काव्य धारा का पहला ग्रंथ माना गया है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि राम काव्य धारा जो सगुण काव्य धारा का एक अंग है, राम काव्य धारा का जो पहला ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है, तो रामानंद का राम रक्षा स्त्रोत। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपके लिए अहम थी, तो दी मैंने। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। तो साथियों 19 प्रश्न हमने कर लिए, 20वें प्रश्न पर आज पहुँच चुके हैं हम। 20वां प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथियों, पढ़ लेते हैं। पंक्ति दी गई है एक बहुत बड़ी, देख लेते हैं। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की धारा को उबरना था तो पहले सिंध में फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में, यह मत किसका है? साथियों ये पंक्ति को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्वानों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया है एक विद्वान के द्वारा। अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि भक्ति धारणा जो है, भक्ति काल जो कहें कि भक्ति धारणा वो शुरू हुई थी दक्षिण में। ठीक है साथियों, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जो भक्ति धारणा या भक्ति काल की शुरुआत जो है, भक्ति की लहर की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत से शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक विद्वान इन पंक्तियों से ये दर्शाना चाहता है साथियों कि भक्ति की भावना दक्षिण में शुरू नहीं हुई बल्कि उत्तर में हुई। ठीक है, तो किसका जय मत है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बाबू गुलाब राय। तो साथियों यह मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अगर आप ग्रियर्सन की बात करें, अगर आप रामचंद्र शुक्ल की बात करें, आचार्य नगेंद्र की बात करें, जहाँ और बहुत सारे विद्वान जो कि टक्कर देते हैं हिंदी साहित्य के अन्य विद्वानों को, तो अगर हम बाबू गुलाब राय की बात करें, राम कुमार वर्मा की बात करें, ठीक है, तो साथियों बहुत सारे विद्वानों ने ये माना कि दक्षिण भारत से ही भक्ति भावना की शुरुआत हुई, तो यह गलत है। शुरुआत जो है वो हुई है जहाँ पर उत्तरी भारत से। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो साथियों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने दी आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो मानते हैं कि उत्तर भारत से ही भक्ति लहर की शुरुआत हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा ही रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों के कट्टर विरोधी रहे हैं, मतलब रामचंद्र शुक्ल के विचारों को उन्होंने बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया है। साथियों एक और मत जो है जहाँ पर मैं रख रहा हूँ आपके सामने, इसको पढ़ लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी भक्ति को पराजित असफल निराश मनोवृत्ति की देन माना है। अनेक विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया, जैसे बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल भी यही मानते हैं कि दक्षिण से ये भक्ति लहर की शुरुआत हुई। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत भी यही है कि मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर प्रार्थना के
अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो साथियों, ये तो आज की वीडियो थी आपके लिए, हम लेकर आए, काफ़ी दिनों से हमने ये वीडियो बना कर रखी थी, आज हमने अपलोड कर दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। और एक और बात कि विरोध करें, आवाज़ उठाएं, पोस्टें बढ़वाने के लिए साथियों, क्योंकि स्थितियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और वैसे भी ज़रूरत तो है ही स्कूलों में अध्यापकों की, और सरकार जो है पक्षपात कर रही है हमारे साथ। एक तरफ 200 से कम पोस्टें निकाली गई 3 सब्जेक्ट की, और एक तरफ 2800 से ऊपर पोस्टें हैं 3 सब्जेक्ट की, जिसमें मैथ, साइंस और अंग्रेजी है। तो पक्षपात होने नहीं देना है हमने, आवाज़ उठानी है, मिलकर उठाएंगे साथियों। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें।